नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर MKG में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक या मजदूर हैं उनको सेवा ऐप दिलाएगा श्रमिकों को काम। दोस्तों सेवा मित्र ऐप लॉन्च होने वाला है, यह आपको हर प्रकार का काम दिलाएगा। अगर आप किसी प्रकार का भी वर्क करते हो तो वह सेवा ऐप मित्र पर आपको उपलब्ध होगा। तो दोस्तों आवेदन करें, आवेदन अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने श्रम विभाग में पंजीकृत कर सकते हो और दोस्तों सेवा मित्र ऐप का आप लाभ उठा सकते हो। इसे जल्द ही सरकार लॉन्च करने वाली है, हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि और इसमें न्यूज़ में क्या अपडेट है। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ अपडेट है दोस्तों, यह है श्रम विभाग से संबंधित। और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि श्रम विभाग से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 मिनट की हुई करीब। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं कि और उस अपडेट में और क्या दिया हुआ है। तो आप यहां देख सकते हो कि यह आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि सेवा मित्र ऐप दिलाएगा प्रवासी श्रमिकों को काम। तो कोरोना संक्रमण में प्रदेश छोड़कर अपने घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिक या मजदूर को काम की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार हर कुशल श्रमिकों को काम दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए बहुत जल्द से सेवा मित्र ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति बढ़ई हो या बिजली हो, मिस्त्री हो, प्लम्बर व पुता इत्यादि कोई भी कार्य करने वाला हो, वह उसको कार्य करने वाले को जरूरत के अनुसार काम पर बुला सकता है। इसमें हर जिले के क्षेत्रवार कुशल श्रमिक का ब्यौरा उपलब्ध होगा। CM योगी आदित्यनाथ जल्द इस ऐप को लॉन्च करेंगे। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजक कुरान सिल्कू ने बताया कि इस मोबाइल ऐप में सभी जिलों के कुशल श्रमिकों का ब्यौरा क्षेत्रवार रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को प्लम्बर की ज़रूरत है तो वह मोबाइल ऐप पर जिला और अपने ब्लॉक का नाम लिखेगा, उसके सामने पूरी सूची होगी, तत्काल व्यक्ति उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क कर अपना कार्य करवा सकेंगे। अभी प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। करीब 18 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है और यह काम तेजी से जारी है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों जो काम के इच्छुक हैं उनका मोबाइल नंबर, नाम व पता इस ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज की इस न्यू अपडेट में देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जी इस ऐप को जल्द ही लॉन्च करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से यूज़ करोगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर जब तक ऐप लॉन्च नहीं हो जाता, और हम आपको बताएंगे कि ऐप को आप कैसे यूज करना है आपको ऐप को। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।